अरे लिटिल सिंगम भैया, उन इवल नन लोगों ने हमारे शिबा को कहाँ पे रखा होगा किडनैप करके? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कीको, चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ। ओ भाई ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो शिबा है। कितना बड़ा है गाइस, ओ माय गॉड, इसका साइज तो देखो। अरे बाप रे, बहुत ही बड़ा शिबा है गाइस। और ये देखो गाइस, यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा शिबा है, चार चार शिबा। इनमें से हमारा रियल वाला शिबा कौन सा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कीको। रेड लेडी सिंगम, ब्लू लेडी सिंगम, सिंचन, तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा है कौन सा हमारा रियल वाला शिबा है? और यहाँ पे देखो कितनी सारी इविल नन है, सभी के हाथ में गन है। अगर इन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं शिबा को बचाने के लिए, तो ये तो हमें भी मार डालेगी। अरे यार शिबा भैया को तो बहुत ही बड़ा वाला राक्षस बना दिया है इन इविल नन लोगों ने। अरे यार, अब कैसे हमारे शिबा को ढूंढेंगे? इन चारों में से हमारा रियल वाला शिबा कौन सा है? ये चारों के चारों सेम दिख रहे हैं और चारों के चारों बहुत ही बड़े राक्षस बन गए। बाप रे बाप, इनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। अरे यार कितने भयंकर लग रहे हैं। अरे यार, हम इंसान तो इसके पास में तो बहुत ही छोटे चींटी जैसे लगेंगे। अरे यार कीको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन इविल नन लोगों ने हमारे शिबा के ऊपर क्या ही तो जादू टोना किया है, काला जादू कर उसे बहुत ही बड़ा एक राक्षस बना दिया है। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है लेडी सिंगम भैया। यार अगर हम लोग जाएंगे तो हमें भी पकड़ के किडनैप करके हमें भी राक्षस बना देंगे। भाई साहब, बहुत ही बड़ा यहाँ पे गाइस शिबा है, वो भी चार चार। इनमें से रियल वाला कौन सा है ये भी समझ नहीं आ रहा है गाइस। और यहाँ पे गाइस एक चीज आप लोगों ने नोटिस की है, यहाँ पे ना वो जो सबसे ताकतवर इविल नन है ना गाइस, वो है ही नहीं यहाँ पे। उसकी जितनी भी कलरफुल इविल नन बहन है ना, बोलोगे गाइस, पर वो रियल वाली सबसे ताकतवर इविल नन कहाँ गई है, जिसने हमारे शिबा को किडनैप किया है गाइस, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। अरे यार, मुझे तो लगता है ये यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े शिबा है ना, इनमें से हमारा शिबा है ही नहीं। अरे यार, पर तो ये लोग तो सेम ही दिख रहे हैं कीको, यार पता लगाना पड़ेगा। अरे इविल नन, तुमने हमारे शिबा के साथ क्या किया है? इसको इतना बड़ा राक्षस कैसे बना दिया जादू टोना करके? तुम लोग सही कर दो शिबा को, नहीं तो तुम सभी को हम लोग मार डालेंगे। अरे हाँ, खोपड़ी फोड़ देंगे, मैं ईंट से मारूंगा, सर फोड़ दूंगा। इविल नन के बच्चे, हमारे शिबा भैया को सही कर दो। ओ भाई, कितना बड़ा है गाइस, देखो देखो, मैं तो इनके पास एक चींटी जैसा, मक्खी के जैसा लग रहा हूँ गाइस, भिन भिनाता हुआ मक्खी। ओ भाई, अब क्या होगा, कैसे हम लोग इसको नॉर्मल करेंगे शिबा को? और इनमें से हमारा रियल वाला शिबा कौन सा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लेडी सिंगम, हमारे इलाके में आके मुंह चला रहा है, दिख नहीं रहा है, सारे के सारे शहर के इंसान डर के मारे अपने घर के अंदर छुप गए हैं, और तू आया है हमसे लड़ने के लिए, मुंह चलाने के लिए। चला जा लेडी सिंगम, अगर जान प्यारी है तो, नहीं तो तुझे भी पकड़ के एक बहुत ही बड़ा खूंखार राक्षस बना दूंगी। अरे यार इविल नन, प्लीज शिबा को सही कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे हाँ हाँ, सही कर दो, जल्दी से हमारे शिबा को सही कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ इविल नन। और तुम्हारी रियल वाली सबसे ताकतवर इविल नन कहाँ पे है? नहीं बताऊंगी, अब तो मैंने अपना सुपर पावर भी एक्टिव कर लिया है। इतनी तेरे अंदर समझ है ना, तो हमारी इविल नन बहन को ढूंढ के निकाल ले। अरे इविल नन, बता दो कौन सा है इनमें से हमारा वाला शिबा, फिर तुमको जो भी करना है करते रहो, हमारे शिबा को हमें दे दो, ठीक है ना? नहीं बताऊंगी कौन सा वाला रियल शिबा है। हिम्मत है ना, तो तू खुद ही ढूंढ ले लेडी सिंगम। ये अरे बाप रे, ये तो मार रही है हमारे लेडी सिंगम भैया को इविल नन की बच्ची। अगर किसी ने भी मेरे ऊपर गोली चलाई ना, तो लेडी सिंगम का गला दबा कर मार दूंगी। अरे भाई बोल दो अभी भी, यार अब मैं क्या करूं? सभी को पीट पाट कर खत्म कर दूंगी, बहुत गुस्सा आ रहा है, चलो जा सबके सब यहाँ से, ये लो, मार पीट के खत्म कर दूंगी, कोई भी नहीं बचेगा। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो सबको मौत की घाट उतार दूंगी मैं। मुझे जानते नहीं हो मैं कितनी खतरनाक हूँ, हमारी इविल नन बहन ने हमें बहुत सारी सुपर पावर दी है। अरे बाप रे, उसी इविल नन को भी ढूंढना पड़ेगा गाइस, और इनका भी काम तमाम करना ही पड़ेगा। ब्लू इविल नन, मैं तुमको मार डालूंगा, तुम्हारे खोपड़ी में गोली मारूंगा, तुम मर जाओगी। तुझे क्या लगा मैं इस मामले
अरे यार ये तो मल नहीं लगी, अब मैं क्या कर लूँ गाइस, ये गन लेकर आना भी बेकार हो गया, इस इवल नन को तो कुछ भी असर नहीं कर रहा है, अब मैं क्या कर लूँ। प्लीज़ हमारे सिबा को सही कर दो इवल नन, अगर तुमने सही कर दिया ना तुमको बहुत सारा पैसे देंगे हम लोग, हमारे घर में जितने भी चिप्स है ना सब कुछ दे देंगे खाने के लिए। मैं अपना चाको चिप्स भी दे दूंगा। मुंह बंद कर ले शैतान बच्चे, अब ये पूरा का पूरा शहर हमारा होगा, सारे के सारे इंसान डर के मारे घर के अंदर घुस गए और तुम शैतान बच्चों यहाँ पे आ गए हो, डर नहीं लगता मुझसे। अरे यार मेरे लीडी सिंगा भैया कहाँ पे है, कितना जोर से मेरे लीडी सिंगा भैया को मारा था, और कीको मैं यहाँ पे हूँ। यार शोर मत करो, उस ईवलन को लग रहा होगा मैं कहीं और पड़ा हूँ बेहोश अधमरा, पर देखो हमें ना उस ईवलन को ढूंढना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसने हमारे सिबा को किडनैप किया था वही ईवलन अब हमारे सिबा को सही कर सकती है, ठीक है ना। अरे ठीक है लीडी सिंगा भैया। ईवलन तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, अब देखो मैं कैसे इन बच्चों को मजा चखाती हूँ, कैसे दम दबा के यहाँ से भागेंगे, हमें परेशान करने के लिए आए हैं, और इनके बस की बात नहीं है हमारी ईवलन महारानी बहन को ढूंढ के निकालने की। अरे छोड़ दो, मैं क्यों मार रही हूँ, मार डालूंगा तुमको ईवलन, तुम खत्म हो जाओगी। लेडी सिंगम अभी भी तेरे अंदर जान बची है, रुक अभी तुझे मैं मजा चखाती हूँ, अब तो तू गया बेटे, ये ले ये कीको को भी खत्म कर दूंगी, अब तेरी बारी है लेडी सिंगम, आ रही हूँ मैं। कहाँ जाएगा भाग के, और ये ले ईवलन की बच्ची, अरे यार इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, ये ले अब क्या करूंगी सिंचन तेरा, ये छोड़ दो मुझे भूतनी कहेगी। अरे छोड़ दे सिंचन को, ईवलन की बच्ची तेरा मैं टांगे तोड़ दूंगा, मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो, चली जा यहाँ से और सिबा को सही कर दे, बता कहाँ पे ईवलन तेरी बहन, सबसे शक्तिशाली ईवलन कहाँ पे, ब्लैक ईवलन बता दे, नहीं तो क्या करेगा तू लेडी सिंगम, बहुत मुंह चल रहा है तुझे, कहीं दूर फेंक देती हूँ, रुक अभी तुझे फेंकती हूँ कहीं दूर, फिर लौट के ना आ पाए तू, ऐसी जगह फेंकूंगी। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ ईवलन, छोड़ दे मुझे, सही नहीं कर रही है ईवलन तू। मजा ही आ गया, उसे लेडी सिंगम का भी बैंड बजा दिया, और ये शैतान बच्चे हार नहीं मानने वाले, इसलिए इनको कैद कर लूंगी। वही मर गया यार, ये क्या हो रहा है, कहाँ आ गया मैं, ये तो टावर है गाइस, सबसे ऊंचा बिल्डिंग, ये इतना दूर मुझे उस ईवलन ने फेंका है गाइस, उसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं गाइस उसको। अरे गाइस यहाँ पे कुछ हो रहा है, ओ भाई, अरे वो रही गाइस ईवलन, अरे यार इसी ने हमारे सिबा को किडनैप किया, और वो देखो गाइस सिबा भी यहाँ पर ही है, ओ माय गॉड, तो यहाँ से ये जादू टोना कर रही है गाइस, और सिबा के जैसे हूबहू राक्षस बना रही है ये, ओ भाई बहुत बुरा हुआ सिबा, यहाँ पे तो देखो गाइस कैसे तो अधमरा पड़ा हुआ है, और ये जादू टोना कर रही है आग के ऊपर बैठ के, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा गाइस। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, इस ईवलन को अगर मार दूंगा ना तो वो सारे के सारे राक्षस सिबा भी अपने आप गायब हो जाएंगे गाइस, जादू टोना इसका ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पे जितने भी कलरफुल ईवलन है ना उन सभी को इसी ईवलन ने सुपर पावर दिया, अगर ये मर जाएगी तो उन लोगों का भी सुपर पावर काम नहीं करेगा गाइस, चलो इसको मारते हैं सबसे पहले। ये ले ईवलन की बच्ची, तूने सही नहीं किया, सिबा को किडनैप कर गया और उसका बहुत सारे डुप्लीकेट बनाकर एक राक्षस बना रही है बहुत ही बड़ा बड़ा, अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। तू मुझे मारेगा मामूली सा इंसान। हाँ हाँ तुझे मारूंगा, ये कोई मामूली आग नहीं है, इसे मुझे गुरुजी ने दिया था, और इससे ना मैं किसी भी चुड़ैल को मार सकता हूँ। सिबा तुम ठीक हो? अरे हाँ लेडी सिंगम भैया मैं ठीक हूँ। अब तो देखो सिबा मैं क्या करता हूँ इस ईवलन का, ये जादुई आग से इसको मारूंगा, खत्म कर दूंगा। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे चलो सिबा जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अरे हाँ लेडी सिंगम भैया चलो चलो जल्दी से यहाँ से हम लोग निकलेंगे, ये ईवलन बहुत खतरनाक है, इसने मेरे जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर बना दिए हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षस। अरे हाँ हाँ सिबा मुझे सब कुछ पता चल गया, जल्दी से आ जाओ, कीको सिंचन और रेड लेडी सिंगम ब्लू लेडी सिंगम की जान खतरे में है, मुझे बचाना पड़ेगा उन लोगों को गाइस।
पता नहीं वो लोग क्या ही कर रहे होंगे। वो ईविल नन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है गाइज, उन लोगों ने बहुत पीटा है शिनचैन को, कीको को, ब्लू लेडी सिंघम, रेड लेडी सिंघम, उन लोगों को मुझे बचाना पड़ेगा गाइज। और देखता हूँ मर गया, नहीं लग गया गाइज, बहुत जोर का लग गया मुझे तो। अरे यार जल्दी से आ जाओ सिबा। अरे आ रहा हूँ लेडी सिंघम भैया, इनके तो हालत बुरा कर दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई सभी को पीटने की। अरे हाँ अब देखता हूँ इनका सुपर पावर काम करता है या नहीं, क्योंकि वो ईविल नन तो मर गई है गाइस, अब ये राक्षस भी अपने आप गायब हो जाएंगे। देखता हूँ गाइस राक्षस अभी भी है या नहीं, ये सिबा का बड़ा बड़ा जो राक्षस है ना। अरे भाई बिल्कुल सेम टू सेम सिबा के जैसा दिख रहा है गाइस, मुझे लगा था इनमें से ही हमारा कोई सिबा होगा, पर इनमें से एक भी हमारा सिबा नहीं है गाइस। सिबा तो ऊपर था बिल्डिंग में गाइस, टावर में, वो ईविल नन लेकर तपस्या कर रही थी गाइस, जादू टोना करके। ये ले सबको मार डालूंगा। ये क्या हो गया, हम लोग मर क्यों रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ओ भाई क्योंकि मैंने तुम्हारी ईविल नन बहन को मार दिया है, वो मर गई तो अब तुम्हारा भी सुपर पावर किसी काम का नहीं, अब तुम भी मामूली सी एक चुड़ैल बन चुकी हो। और ये देखो गाइस सारी की सारी कलरफुल ईविल नन चुड़ैल को मैंने मार दिया है। अरे यार लेडी सिंघम भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, ये राक्षस कब गायब होंगे? और यार इनको तो जेल के अंदर डाल दिया है। ओ भाई ये देखो गाइस यहाँ पे जो चार चार सिबा राक्षस थे ना गाइस बड़े बड़े, वो लोग अपने आप गायब हो गए, मजा ही आ गया। चलो गाइस आखिरकार ईविल नन का ये जादू टोना जो है खत्म हो चुका है, उसका असर खत्म हो गया है गाइस, और ये राक्षस भी अपने आप गायब हो गए गाइस, क्योंकि वो ईविल नन ही मर चुकी है। अब जल्दी से मैं इन सभी को जेल से निकालता हूँ। अरे लेडी सिंघम भैया जेल से निकालो हमें, तोड़ दो इस जेल को लात मार मार के। और हाँ ये ले ये ले, अरे खुल जा और जोर से मुक्का मारो, लात मारो और तोड़ दो इस जेल को। अरे यार सिबा भैया तुम ठीक हो ना? अरे हाँ मैं ठीक हूँ। अरे यार तो ये ले अब खुल गया ना, चलो अब यहाँ से जाते हैं हम लोग। अब देखना थोड़ी देर में सारे के सारे इंसान फिर से अपने घर से निकल जाएंगे, और रोड में कतई चक्का जाम हो जाएगा, जैसे पहले नॉर्मल हुआ रहता था गाइस, सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम सभी के सभी ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, मुझे तो बहुत पीटा उसे ईविल नन ने। अरे यार चलो फिर खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं घर में। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्त लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो गाइस।